हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि अदरक इलायची वाली कड़क चाय कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन में एक कप पानी। जिस भी कप से आप सर्व करने वाले हो या पीने वाली हो चाय, उस कप से आप मेजर कर ले तो थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पे एक कप पानी लिया है, एक कप चाय बनाने वाली हूँ मैं इसे। तो ये एक कप पानी थोड़ा बॉईल होके कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक कप लिया है। पानी बॉईल हो रहा है या तो गर्म हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 इलायची को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। यहाँ पे अभी पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है, स्टीम आने लगी है। तो इस स्टेज पे यहाँ पे हम डालेंगे इसमें ये अदरक और इलायची का क्रश। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय बनती है, मतलब बहुत ही गाढ़ी और स्वाद वाली चाय बनती है। जो चाय हम ठेले पे पीते हैं ना, वो स्वाद आता है अदरक इलायची का। तो इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और गर्म होने देंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे टी पाउडर, चाय पत्ती 1 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे डाली है, क्योंकि मुझे गाढ़ी चाय पसंद है। तो थोड़ी सी जो है टी पाउडर ज़्यादा ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ अगर आपको गाढ़ी और मसाले वाली अच्छी जो चाय होती है ना, वैसी चाय चाहिए, तो आप टी पाउडर थोड़े ज़्यादा ही डालिए। और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शुगर, चीनी, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको मीठी चाय पसंद हो तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच शुगर डाली है। अब बस हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। देखिए चाय हर कोई बनाता है, लेकिन जो उसका जो मेन जो पार्ट होता है ना, वो है बॉइलिंग। तो हम जितनी देर चाय अच्छे से उबालेंगे ना, बॉईल करेंगे ना, उतना ही उसमें जो भी हम इंग्रेडिएंट डालते हैं ना, वो खुल के आएंगे और हमारी चाय बहुत अच्छी बनेगी। तो अच्छा सा बॉईल आ गया है चाय में। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध। तो मैंने आधा कप दूध ले लिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अब अगर आप ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद करते हो तो आप पूरा आधा कप डालिए। मैंने इसमें से आधा कप में से 1 चम्मच बचा लिया है, क्योंकि मुझे कलर इसका ठीक लग रहा है। तो मैं अभी इसके अच्छे से इसका हमें अच्छे से 2 मिनट तक बॉईल करना है इसे। ये और एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेज है कि हमें दूध डालने के बाद भी चाय को अच्छा बॉईल आने देना है। देखिए ऐसे बबल्स आने चाहिए, और बीच बीच में हमें इसे ना स्टिर करते रहना है, ताकि देखो किसी गाढ़ी और एकदम ठेले जैसी चाय लग रही है ना। मैं इसे और 1 मिनट तक चला रही हूँ। बीच बीच में मैं इसे अच्छे से स्टर करती रह रही हूँ। ये बॉईल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कड़क चाय, इलायची अदरक की कड़क चाय पीनी हो, पसंद हो ना, तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए अभी हमारी चाय जो है वो बॉईल हो गई है अच्छे से। फिर भी मैं इसे और थोड़ी देर कर रही हूँ। कड़क चाय पीने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। कहीं हम जाते हैं बाहर और बारिश हो, या कोई विंटर का मौसम हो, और कहीं रास्ते में हमें कोई चाय वाला भैया दिख जाए, तो हम वहाँ पे जाते हैं और वो चाय का जो आनंद लेते हैं ना, वो बहुत सही होता है, बहुत मज़ा आता है वो चाय पीने में। तो अभी हमारी चाय हो चुकी है, अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। तो यहाँ पे मैंने कप में इसे सर्व कर दिया। तो पीजिए ये गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय, और पी के बना के मुझे ज़रूर बताएगा कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।